हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं चंदन आपके लिए एक बार पुनः आ चुका हूं। साथियों, आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहां पर कमेंट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा पूछ भी रहे थे कि सर हम लोगों को इंटरव्यू का कुछ तैयारी करवा दीजिए कि ANM किए हैं या फिर GNM किए हैं तो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप लोग से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर हम लोग को कैसे कैसे देना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको आज से 5-7 वीडियो लाऊंगा लगातार और उस 5-7 वीडियो में आपको लगभग में 90% क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे जो कि आप लोग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लगभग 90% क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। इंटरव्यू के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और बता दूं। आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि चंदन सर आप अपने बारे में बताइए, आप कुछ नहीं बताते हैं, तो मैं अपने बारे में आज कुछ बता देता हूं। मेरा नाम है चंदन कुमार और मैं सबसे पहले इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात है तो इंटरव्यू से रिलेटेड ही जानकारी दे दूं। अपने पूरे जीवन में, अभी तक का जीवन में, मैं 2 बार इंटरव्यू पास किया हूँ। सबसे नंबर 1 DRDO का इंटरव्यू पास किया हूँ, उड़ीसा राज्य के बालासोर जिला में चांदीपुर ब्रांच में DRDO का इंटरव्यू हुआ था मेरे नौकरी के लिए। वहाँ पर नंबर 1 रैंक आया था मेरा ही। आप लोग चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा दूंगा नंबर 1 रैंक का, ठीक है। और वो नौकरी मैंने नहीं किया, सिर्फ 2-1 दिन नौकरी के लिए ज्वाइनिंग किए, दूसरा दिन हम ड्यूटी किए, तीसरा दिन हम रिजर्नेशन दे करके आगे हम वो नौकरी छोड़ करके बिहार आ गए। दूसरी बार मैंने भी फिर से एक इंटरव्यू पास किया था। उस टाइम थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो उस टाइम सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में वैकेंसी आया हुआ था और वो इंटरव्यू के आधार पर था और वहाँ पर एक ही वैकेंसी था, सिर्फ एक ही सीट था। तो मैं वहाँ पर भी जाकर के इंटरव्यू दिया और लगभग करीब 200 से 250 के बीच में वहाँ पर स्टूडेंट उपस्थित हुए थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया था और सिर्फ एक सीटों में 200-250 के बीच में स्टूडेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये 2 हो गया सक्सेसफुल इंटरव्यू की कहानी। और मैं 1-2 अनसक्सेसफुल रहा हूँ, जैसे कि कोयला रिसर्च सेंटर डिगवाड़ी धनबाद में मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया था तो मेरा वेट लिस्टिंग में नाम आ गया, यानी कि इंटरव्यू मैंने पास कर लिया था लेकिन अच्छा नहीं किया था इसलिए वेट लिस्टिंग में नाम दे दिया गया। कोई कैंडिडेट अब जॉब छोड़ेंगे तभी जा करके मेरा होगा, तो वेट लिस्टिंग में था तो मैं उसको नहीं मानता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ भी इंटरव्यू पास ही कर गया था, बस वेट लिस्टिंग में नाम आया था। तो मेरे लाइफ का 2 सक्सेसफुल आपको मैंने बता दिया हूँ। जॉब के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो DRDO में आपको पहले ही बता दिया हूँ, वहाँ पर मैंने 2 दिन ज्वाइनिंग, 1 दिन जॉब, तीसरा दिन रिजर्नेशन देकर आ गया। दूसरा, मैं सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में करीबन 8 महीना जॉब किया हूँ। वहाँ के बाद मैं भूमि राजस्व विभाग में करीब 2 से 2.5 महीने के बीच मैं वहाँ भी नौकरी किया हूँ, खगड़िया मेरा पोस्टिंग था, और वर्तमान में मैं पटना सचिवालय में हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो यही मेरी है, बाकी और आगे की धीरे धीरे मैं वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग शायद मेरे बारे में आज समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे प्यारे भाई, सबसे पहले अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप लोग को पहनने के लिए जो कपड़ा होते हैं उस चीज़ को ध्यान देना होगा। पहले मेरी बात को सुनिए, ये सारे चीज़ आपके इंटरव्यू के लिए बहुत मेंटेन रखता है। जैसे कि अब बॉयज है, बॉयज के लिए, लड़कों के लिए अगर बात करेगा ड्रेस का, तो वो जो सिंपल कपड़ा होते हैं वो सिंपल कपड़ा पहन करके जा सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस टाइप के कपड़े पहन करके जाना है बॉयज के लिए। जैसे कि आप प्लेन शॉर्ट पहन करके जा सकते हैं, प्लेन पैंट पहन के जा सकते हैं, और जो फॉर्मल शूज होता है वो शूज आप लोग पहन करके जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जैसे आप व्हाइट शर्ट फिर ब्लैक पैंट और उस पर जो फॉर्मल शूज आते हैं वो पहन करके जा सकते हैं आप लोग इंटरव्यू देने के लिए। उसी तरह से सिंपल में, एक फैंसी में नहीं जाना है, एकदम प्लेन कपड़ा पहन के, जो जैसे मैं प्लेन पहना हूँ लेकिन ये कलरफुल ज़्यादा है तो कलरफुल नहीं, थोड़ा सा व्हाइट ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप लोग अपने अनुसार से देख सकते हैं, ज़्यादा आप लोग को चमकदार नहीं लेना है, डीप में ही थोड़ा सा लेना चाहिए जिससे लगना चाहिए कि नहीं ये अच्छे हैं। कपड़ा का एकदम मेंटेनेंस रखता है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी दिखने में ठीक ठाक रखना चाहिए। लड़कियों के लिए बात करिएगा तो लड़कियों के लिए तो अलग अलग कपड़े होते हैं, लड़कियों साड़ी पहन के भी जा सकती है, उसका बढ़िया से पहन के मतलब बॉडी पर्सनैलिटी ठीक होना चाहिए, पहनने के तरीका ठीक होना चाहिए, ऐसे कि इधर उधर अच्छा होना चाहिए। या फिर उन लोगों के लिए जो
समीज सलवार फिर चलते हैं तो वो भी पहन करके जा सकते हैं। उन लोगों के लिए मतलब जो फॉर्मल कपड़ा होता है, मेरे कहने का जो सेंस है, जो फॉर्मल कपड़ा होता है वो फॉर्मल, जितना फॉर्मल आप पहन के जाएंगे सिंपल में, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप जब वहाँ पर एंट्री करिएगा तो आपको फिर बैठने के लिए बोलेंगे, तो अगर आप बैठने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं या फिर अच्छा से नहीं बैठ पाएंगे आपके कपड़ा की वजह से, मान लीजिए टाइट कपड़ा रहेगा फिर ये रहेगा, तो वो ठीक नहीं होगा। आगे वाले जो पर्सन बैठे रहते हैं जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर आप बहुत लाइटिंग का कपड़ा पहने हैं तो आप उसके नज़र में थोड़ा चमकदार दिखिएगा, उन लोगों को लगेगा कि नहीं ये मतलब सिर्फ कपड़े के पीछे भागे रहते हैं, तो थोड़ा सा लाइट का नहीं पहना, क्योंकि शादी में तो जा नहीं रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा लाइट वाला कपड़ा पहन करके जाना है, एकदम मॉडलाइज कपड़ा पहन के जाना है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है, ये चीज़ हो गया। अब दूसरी बात, जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आप लोग को जब इंटरव्यू में आपका नाम बुलाए जाएंगे या फिर आपका जो सिस्टम, जिस सिस्टम से वो बुलाते हैं, तो आप लोग को बुलाया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग को एंट्री नहीं कर देना है। जैसे आप लोग जाइएगा तो आप उनसे परमिशन लेकर के जाएंगे, जैसे मैं आई कम इन सर, या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर मैं अंदर आ सकती हूँ, आप लड़की हैं या फिर लड़का है, तो उस लैंग्वेज में आपको अपना जो है वो आपको पूछ करके अंदर आना है। ऐसा नहीं कि हाँ बुला दिए कि हाँ रोल नंबर एक या रोल नंबर दो या फिर नाम से और आप तुरंत वहाँ पर चले गए, तो वैसा नहीं। हाँ बुलाने वाले बुलाएंगे, लेकिन जब आप एंट्री करेगा तो वहाँ से आपसे बड़े पदाधिकारी सीनियर सर लोग बैठे रहते हैं, तो उनसे हम लोग को करना क्या है, परमिशन ले लेना है, पुनः जा करके हम लोग को वहाँ पर एंट्री करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब एक और पॉइंट, तीसरी पॉइंट, ये बेसिक है, ये किसी भी इंटरव्यू के लिए बेसिक है, हर इंटरव्यू के लिए बेसिक है, चाहे आप बड़े लेवल के इंटरव्यू दीजिए, छोटे लेवल के दीजिए, किसी भी इंटरव्यू के लिए, ये आपकी खुद का डिसिप्लिन है। जो पूछे जाएंगे और भी प्रश्न मैं वो भी करवाऊंगा, ये पहले बेसिक समझिए। फिर आप जब बैठने के लिए जाइएगा तो आप जब बैठने के लिए जाइएगा तो जहाँ सर लोग बैठे रहते हैं उससे करीब आपको 3-4 फीट 5 फीट की दूरी पर आपका चेयर लगा रहता है, थोड़ा डिस्टेंस में लगा रहता है। तो जब आप चेयर पर जब बैठिएगा तो आप लोग का जो दोनों हाथ होता है वो डंडा पे मत रखिएगा, चेयर पर दोनों साइड डंडा अगर रहता ना हाथ रखने वाला, उस पर नहीं रखना है, आप अपने बॉडी पे ही आपको हाथ को रखना है, और पैर हाथ बॉडी को हिलाना नहीं है, डगमगाना नहीं, हिलाना नहीं है, ये सारी चीज़ आप लोग को नहीं करना है, ये आप लोग को नहीं करना है, एकदम कॉन्स्टेंट होकर के आपको बैठना है। और तीसरी बात अब मैं बताता हूँ, और आगे की बात, जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो आप पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि आप पहली बार जाइएगा और वहाँ पर बड़े बड़े सीनियर सर लोग बैठे रहते हैं, तो आप लोग को इधर उधर तो नहीं देखना है, सबसे पहली बात एकदम सर लोग को सामने आँख में आँख मिला करके एकदम देखना है, ठीक है, एकदम कॉन्स्टेंट हो गए। उसके बाद साथियों आप लोग के लिए जो एक इम्पोर्टेंट बात है, आपका चेहरा का जो यहाँ पर होना चाहिए एकदम, ये नहीं सैड होकर बैठे होना चाहिए, यानी कि आप सर सीनियर लोग हैं, सीनियर सर लोग हैं, पदाधिकारी हैं, तो एकदम नहीं उनके सामने में, हाँ उनका इज्जत करना, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हम लोग का कर्तव्य है, वो आपका पहला होना चाहिए। लेकिन हाँ नहीं कि एकदम एकदम सैड होके एकदम नाराज होकर के बैठे रहना चाहिए, जिससे कि अगला को लगेगा कि नहीं ये तो उस मूड में है ही नहीं। आपके चेहरा पे स्माइल इस तरह से रहना चाहिए कि अगला वाले को लगे कि स्माइल कर रहे हैं आपको, हाँ एकदम हंसना नहीं है, दांत निकाल के हंसना नहीं है, बस चेहरा पर रौनक होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप उस पर्सनैलिटी में हैं, आप उस लायक हैं जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ये चीज आप लोग को हो गया। अब जो बात करेगा, जब आपसे प्रश्न पूछने की जब बारी आ जाएगी, जब प्रश्न पूछता शुरू हो जाएगा, तब आप लोग को करना क्या है कि जो भी बात बोलेगा वो क्लियरिटी बोलना है और दोहरा दोहरा के नहीं बोलना है। जैसे कि बोलूंगा मेरा नाम चंदन कुमार, मैं पटना जिला से हूँ, फिर मेरा नाम चंदन कुमार, मैं पटना जिला से हूँ, एकदम रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए और क्लियर आवाज में होना चाहिए, साउंड क्लियर, अपना जीभ या कर लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर आवाज होना चाहिए, जिससे कि एक बार में सुने तो समझ में आ जाए, ये चीज हो गया। अभी के टाइम में क्या है कि अभी तो ज्यादा हम लोग आगे आगे हैं, अब सब कुछ लोग आगे बढ़ चुका है, तो आप आपसे पूछा जाएगा, पहले ही शुरू में ही पूछा जाता है कि हिंदी में बातचीत करना चाहेंगे या फिर इंग्लिश में, यानी कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो आपको जिस लैंग्वेज में देना है, हिंदी में देना है तो हिंदी में, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में, आप वहाँ पर बोल दीजिएगा कि मुझे हिंदी में बातचीत करना अच्छा लगता है, मैं हिंदी में बातचीत करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। वो अगर पूछे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑरली आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप प्रीफर वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। जब आप लोग हिंदी वाले के लिए मैं बता देता हूँ, हिंदी में अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग मिक्स करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके यानी कि हिंदी इंग्लिश मिला करके आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग नर्स हैं
तो आप लोग का जो फील्ड है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो हर चीज़ हिंदी में ही सुनने में और वो समझने में दिक्कतें आती है, मेडिकल फील्ड का चीज़ है ना, जनरल फील्ड का तो है नहीं। इसलिए उस जहाँ पर इंग्लिश का, जैसे कि अब मान लीजिए कि नर्सिंग, अब नर्सिंग इंग्लिश ही वर्ड है तो नर्सिंग बोलिए तो मतलब अच्छा लगता है, या फिर उसको ANM बोलिए तो ये ठीक है, या फिर उसको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलिए, तो हिंदी में थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा ये हो जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी मिला मिला करके जहाँ लगे कि इंग्लिश यहाँ बोलना चाहिए तो वो वर्ड इंग्लिश वहाँ जोर जोर के अगर आप बोलते हैं तो आपका ये पर्सनैलिटी अच्छा बनता है बोलने का, कि नहीं अगला आदमी ये समझ जाएंगे कि नहीं इनके पास नॉलेज है, थोड़ा सा ये सारा चीज़ बोल पाते हैं, मतलब थोड़ा इंग्लिश भी समझ आते हैं थोड़ा हिंदी भी समझ आते हैं, तो दोनों चीज़ इनके पास दोनों चीज़ों का नॉलेज है तो ये कंफर्टेबल है, तो एकदम परफेक्ट है। तो ये चीज़ आप लोग इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को करना है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इंटरव्यू में जाएंगे तो कैसे कपड़ा पहन के जाएंगे, या फिर आप कैसे बैठेंगे, कैसे इंट्री करेंगे, कितनी क्लियरिटी के साथ बोलना है, क्या डिसिप्लिन है, इतना चीज़ आप लोग सीख गए होंगे। बस इस चीज़ को अगर आप सीख गए तो आप समझिए कि 25% इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए। बहुत स्टूडेंट जाते जाते वो कपड़ा का पर्सनैलिटी अच्छा नहीं ले जाता है, आप कपड़ा का पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं, हाँ जो नॉर्मल है ये, दूसरी बात एंट्री करने का तरीका पता नहीं, कुर्सी पे जाते हैं बैठने के लिए तो एकदम हाथ रख देते हैं, इधर उधर AC वीसी लगाए कि नहीं, पंखा टीवी देखने लगते हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल रूप से नहीं देखना, एकदम जा करके कॉन्स्टेंट चेहरा पर मुस्कान थोड़ा रखना है, थोड़ा लाइटिंग होना चाहिए, चेहरा का लाइटिंग होना चाहिए, एकदम सैड की तरह नहीं होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आपको इतने चीज़ अगर सीख गए तो 25% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 25% आप क्वालिफाइड हो गए इंटरव्यू में, और ये किसी भी इंटरव्यू का आपका बेसिक फंडामेंटल है। चलिए अब इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन आपका सीनियर सर लोग पूछेंगे वहां से अब हम लोग शुरू करते हैं। ये तो आपका कर्तव्य था, आपका ड्यूटी था, अब आप एंट्री कर चुके हैं, कहाँ तक ले गया हूँ आपको, एंट्री करवा दिया हूँ, कुर्सी पर बैठा दिया हूँ, चेयर पर, अब बैठने के बाद वहां से प्रश्न की सिलसिला जारी होता है। तो कौन से प्रश्न से शुरू होता है आप लोग कॉपी कलम उठा करके लिख लीजिएगा, मेरी आवाज को 20 बार सुन लीजिएगा और मैं स्क्रीन पर भी लिखा दूंगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में सबसे पहले। तो चलिए उस क्वेश्चन से अब हम लोग वीडियो को, मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपने बारे में बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप अपने बारे में बताइए, ये प्रत्येक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीका से कर देते हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई कराने में 50% योगदान देते हैं। इस क्वेश्चन का जो लोग जितने अच्छे से आंसर करते हैं उसका पास करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल रूप से 50% एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, और मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है ना। मैं पहला इंटरव्यू पास किया था तो मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को अच्छा तरीका से, मेरे जो सीनियर सर थे वो मुझे जो सिखाए थे तो बस यही क्वेश्चन का अच्छा तरीका से आंसर सिखा देते, और मेरा यही क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू पास करवा दिए, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं था लेकिन यही, और नंबर 1 रैंक पर। तो आपसे क्या पूछ जाएंगे, आप अपने बारे में बताइए, सबसे पहला बात ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा। देखिए अब किसी के पास जब जाइएगा, आप एंट्री करिए चेयर पर बैठिए, तो न तो आप उन आप जो है सीनियर सर लोग के बारे में जानते हैं, न सर जो पदाधिकारी होते हैं वो आपके बारे में जानते हैं, तो पहले तो परिचय होगा ना, आप एक दूसरे से बातचीत जब शुरू करिएगा किसी नए व्यक्ति से तो पहले आपके बारे में तो पता होना चाहिए, तो इसीलिए पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है, बीच में क्या बोलना है, बस यही चीज आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए आप अपने बारे में जब ही बताने लगेगा तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग एकदम धैर्य के साथ एक एक पॉइंट को सुनते रहिए, क्वेश्चन और आंसर डिस्प्ले कर दूंगा, आप स्क्रीन पर लगा दूंगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, आप अपने बारे में बताइए ये क्वेश्चन जैसे ही आता है आप लोग को वही चीज बताना है जो आपके अंदर है, फेंकना नहीं है, झूठ नहीं बोल देना है। अगर आप लोग ज्यादा फेंक दिए, ज्यादा झूठ बोल दिए, ज्यादा स्मार्ट बन गए तो आप वहीं से फंस जाइएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी को बताइएगा कि मैं पटना जिला का हूं, तो वो पूछना शुरू कर देंगे वहां से कि पटना जिला में गोलघर कहाँ है, और आपको मालूम ही नहीं है,
आपको बोल देगा ये कहाँ है वो कहाँ है, तो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। और इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं पदाधिकारी, वो कभी भी नया क्वेश्चन पूछ करके आपसे नहीं फंसाएंगे, आपके ही क्वेश्चन में से नया क्वेश्चन निकालते हैं और वही क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। इससे इसलिए कि वो चाहते रहते हैं कि इन्हीं के क्वेश्चन में से नया क्वेश्चन पूछूं, जिससे ये जो फंसेंगे तो इनको लगेगा कि नहीं मेरे ही गलती है, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसलिए तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को ध्यान से देना है। मेरे अकॉर्डिंग मानिएगा तो मैं आपको 4-5 पॉइंट डिस्प्ले भी करा देता हूँ, और आप लोग को इस तरह से बोलिएगा तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले बोलना है मेरा या फिर मेरी, लड़का या लड़की जो भी हो उस तरह से बोलना है। मेरा नाम चंदन कुमार, या जिनका जो नाम होगा वो नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम बता दिए, जैसे कि मेरा नाम चंदन कुमार, ये बता देना है। उसके बाद जिला का नाम बताना है, जैसे कि मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ, तो बोलेंगे मेरा नाम चंदन कुमार, मैं पटना जिला का अस्थाई निवासी हूँ, ठीक है। ये चीज बोल देना है। दो चीज हमने यहाँ पर बोला, अपना नाम और अपना जिला का नाम, ठीक है। मेरा नाम चंदन कुमार, मैं पटना जिला का अस्थाई निवासी हूँ, दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आपको एजुकेशन के बारे में बताना है। मैं 10th क्लास की पढ़ाई, क्योंकि 8-7 का तो कोई जानना नहीं चाहते रहते, 10th से स्टैंडर्ड शुरू होता है एक लेवल का, तो मैं 10वीं क्लास या फिर 10th क्लास की पढ़ाई पटना हाई स्कूल से 2022 में या फिर 2020 में जब आप पास किए हैं उतना एसबी के साथ, प्रथम श्रेणी से या फिर द्वितीय श्रेणी से जो आप डिवीजन लाए हैं, प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ। तो यहाँ पर 10th क्लास की एजुकेशन पहले बता देना है शुरुआती का। मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई पटना हाई स्कूल से 2022 ईस्वी में या फिर 2020 ईस्वी में प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ। उस तथा या उसके बाद 12th क्लास की पढ़ाई पटना हाई स्कूल से, सॉरी पटना कॉलेज से 2022 ईस्वी में मैंने प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ। इसके बाद ANM का ट्रेनिंग या फिर GNM का ट्रेनिंग मैंने दिल्ली इंस्टीट्यूट से या फिर पटना इंस्टीट्यूट से, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किए हैं उस इंस्टीट्यूट के नाम के साथ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हूँ, पास किया हूँ, ये चीज़ आप लोग को बोलना है। तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या मैंने बता दिया, पहले आपको नाम बताना है, आप कहाँ का रहने वाला है उसे जिला का नाम बताना है, क्योंकि आपके गाँव का नाम तो कोई नहीं जानेंगे, ब्लॉक का नाम तो जल्दी नहीं जानेंगे, लेकिन जिला का नाम जानेंगे। तो वही चीज़ बताना है जो वो जानना चाहते हैं। तो आप अपना नाम, फिर जिला का नाम, फिर 10th का पास किए कितने ईस्वी में, किस स्कूल से, कौन सा डिवीजन है वो बता देना है। उसके बाद 12th किए होंगे तो 12th बता देना है। उसके बाद आप ANM किए हैं या फिर GNM किए हैं वो बता देना है। इसके बाद अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, इसके बाद अगर आपने ANM के बाद अगर आपने GNM किया है या फिर GNM कर लें तो MSc फिर BSc जो भी किए हैं, तो हायर क्वालिफिकेशन आप लास्ट में बताएंगे, पहले 10th 12th ANM या फिर GNM जो भी है, फिर हायर क्वालिफिकेशन, इस तरह से स्टैंडर्ड में सजा के बताना है। इसके बाद आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताना है कि जब से मुझे समझदारी आया है तब से ही मुझे नर्सिंग क्षेत्र में अच्छा लगता है, इसके अलावा आप लोग को एक बात और बताना है कि जब से मुझे अपने आप में समझदारी आया है तब से ही मुझे नर्सिंग क्षेत्र में अच्छा लगता है, साथ ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना, संगीत सुनना, ये सारी चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा जो नेक्स्ट एम है, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मेरा पहला और अंतिम एम नर्सिंग क्षेत्र में योगदान देना है, तथा वर्तमान में मैं छात्र हूँ या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के बारे में बताना है। तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नाम बताना है, किस जिला का है वो बताना है, 10th कब किए, 12th कब किए, किस स्कूल से, एक साथ बोलना है। उसके बाद आप ANM या फिर GNM कब किए, कहाँ से किए, कितना कौन से डिवीजन है, एक साथ आप लोग को बोलना है। आप लोग को नर्सिंग के क्षेत्र में थोड़ा बड़ाई करना है कि मुझे नर्सिंग के क्षेत्र में शुरू से ही अच्छा लगता है, और आपको क्या क्या पसंद है, तो खास करके न्यूज़पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर का जब नाम लीजिएगा तो उनको लगेंगे कि नहीं इनको
हर फील्ड से इंटरेस्टेड है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर चीज़ छपते हैं। तो न्यूज़पेपर का नाम जरूर लेना है, बुक जरूर बोलिएगा हम पढ़ेंगे। अब संगीत, अगर आपको संगीत आजकल मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरटेनमेंट के लिए सारे लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई डांस देखते हैं, या फिर मतलब हर आदमी का अलग अलग च्वाइस होता है, तो आपका जो च्वाइस होगा, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में संगीत रखा हूँ, तो वो आप जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग अपना एम जरूर बताना है, जैसे मैंने बताया हूँ कि मेरा नेक्स्ट एम नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य करना है, ये एम बताना है। इसके अलावा आप वर्तमान में क्या है, छात्र हैं तो छात्र बताएंगे, या फिर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, इतना बताएंगे। इतना अगर आप लोग बता देंगे तो बिल्कुल रूप से इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन 99% है कि आपका हो जाएंगे। मैं अपना इंटरव्यू में इतना ही बोला था, बस इसी सिस्टमेटिक में हमने आंसर किए थे, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर इस तरह से करना है। देखिए इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, टाइम लगेगा, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, छोड़ छोड़ के देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोग को आंसर करना है। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसका आंसर अपना लिख लीजिए, जैसे आप लोग को सुविधा हो रहा है उस तरह से आप लोग कर लीजिए। तो ये बेसिक क्लियर हो गया, 50% आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि अब आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन में से आपको पूछ सकते हैं कि आप एएनएम का जब ट्रेनिंग किए तो आप क्या क्या उसमें सीखे, या फिर अगर आप जीएनएम का ट्रेनिंग किए हैं तो आप पढ़ने की ड्यूरिंग पढ़ाई के दरमियान आपने क्या क्या सीखे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी संक्षिप्त में बताइए। डिटेल्स में नहीं पूछेंगे क्योंकि इंटरव्यू में उतना टाइम नहीं होता है, तो आपको संक्षिप्त में जो आप एएनएम के बारे में या फिर जीएनएम के बारे में आपने जो सीखा है, जो आपके पास नॉलेज है, वो एकदम हर सब्जेक्ट से दो दो तीन तीन पॉइंट आपको बताना है। जैसे एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में 4, सेकेंड ईयर में 2, तो 6 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज बता देना है। फिर जीएनएम वाले का जो 3 ईयर का कोर्स होता है उसमें से लगभग हर सब्जेक्ट से एक दो पॉइंट, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, छोटा छोटा में, मतलब एक लाइन दो लाइन करके, एक दो 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 पॉइंट, दो पॉइंट तीन पॉइंट करके, सब में से जितना शॉर्ट में हो उतना आप लोग को बता देना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आपने बराई कर दिया एएनएम का या फिर जीएनएम का ये चीज़। फिर आप ट्वेल्थ जब का बात इसमें बोले हैं तो ट्वेल्थ से पूछ सकते हैं कि ट्वेल्थ में आप साइंस रखे थे तो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट था या फिर बायोलॉजी था, या फिर बायोलॉजी में आपने क्या बहुत कुछ जानते हैं तो आप बताइए। तो आपको संक्षिप्त में वहाँ से भी थोड़ा याद रखना होता है, ये चीज़ पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपने बताया है। इसलिए आप न्यूज़पेपर के बारे में बताएंगे, बुक पढ़ना बताएंगे, इसके बारे में आपसे पूछेंगे कि न्यूज़पेपर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या मतलब आपको इससे लगाव है, कब से लगाव है, तो आपको बताना है कि न्यूज़पेपर में सारी चीज़ नया नया चीज़ छपते हैं, सारे इंडिया लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, अपने राज्य लेवल का, हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। बुक पढ़ने की बात, तो ये सारी चीज़ आपको बताना है। बुक पढ़ने की जब बात बोलेंगे तो उनको बताना है कि बुक से बहुत सारे नॉलेज मिलती है और हमेशा लोगों को नॉलेज प्राप्त करते रहना चाहिए, इसलिए मैं बुक पढ़ता हूँ। थोड़ा सा जब आप थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए मैं संगीत सुन लेता हूँ। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तब आप लोग को जवाब देना है। अब इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उठा उठा करके, इस बात को ध्यान रखना है। तो साथियों, आपको मैंने 50% क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया हूं और इसी क्वेश्चन में से जो जो पूछेंगे उसका जवाब देना है। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एएनएम का जॉब क्यों करना चाहते हैं, बहुत क्वेश्चन है, आपको मैं 5-6 वीडियो लगातार दूंगा, आप सारे वीडियो को देखिएगा, आपका माइंड खुल करके एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, मेरा अभी इंटरव्यू में तैयारी के लायक हो गया है। और यकीन के साथ कहता हूं, किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा, मैं जितना बता देता हूं 90% क्वेश्चन आपको इसी जो 5-7 वीडियो बताऊंगा उसी में से आप लोग को एकदम मिल जाएंगे, श्योरिटी रहिए, इसका मैं एकदम बिल्कुल रूप से बोल रहा हूं। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूं, कैसा लगा वीडियो जल्दी बताइएगा। और आपको पार्ट 2 नेक्स्ट क्लासेज कब चाहिए इंटरव्यू का, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। थैंक यू।